खबर हापुड़ से है, जहां मंदिर में नमाज पढ़ने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अनवर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अनवर ने प्राचीन चंडी मंदिर में नमाज पढ़ी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की है। मंदिर में नमाज पढ़ने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। नाम अनवर बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने अब अरेस्ट कर दिया है। अनवर ने प्राचीन चंडी मंदिर में नमाज पढ़ी थी, ये उस पर आरोप लगा है और इसी वजह से उसकी गिरफ्तारी की गई है। हापुड़ के प्राचीन चंडी मंदिर में लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर हंगामा मच गया। मंदिर में एक शख्स पहुंचता है, नमाज पढ़ना शुरू कर देता है और जैसे ही ये मामला सामने आता है, इस वाक्य ने तूल पकड़ लिया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने नमाज पढ़ने वाले शख्स अनवर को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। प्राचीन चंडी मंदिर में इस शख्स ने नमाज पढ़ी थी और जैसे ही लोगों ने मंदिर में नमाज पढ़ते हुए इस शख्स को देखा था, उसके बाद से ही वहां पर हड़कंप मच गया और लोगों में काफी नाराजगी भी देखने को मिली। हापुड़ में जिस प्रकार से एक बड़े मंदिर में नमाज पढ़ी गई, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से हिंदू महासभा का कहना है, अगर ऐसे आपराधिक तत्वों पर जो समाज का ताना बाना बिगाड़ रहे हैं, अगर इन पे राजद्रोह जैसी बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। तो एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई करते हुए रासुका लगाए, और अगर नहीं करती है तो हिंदू महासभा मजारों पे मस्जिदों में घुसकर सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करेगी।